हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शुभ। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आया हूं कंपटीशन वाला एचएफ ड्राइवर। बेसिकली दोस्तों ये जो एचएफ ड्राइवर है वो है यहां पे 4 इंच वॉइस कॉइल वाला, यानी 4 इंच डायफ्राम वाला, और बेसिकली काफी ज्यादा जो है वो लाउडनेस होने वाला है इस एचएफ के साथ में। आप सभी की डिमांड थी कुछ ऐसा अलग एचएफ ड्राइवर लेके आइए जो कि हम कॉम्पिटिशन रोड शो या फिर कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा लाउडनेस हमें चाहिए हमारे टॉप के अंदर। हमें यहाँ पे लाइव नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ डीजे करना है, और डीजे के लिए ऐसा एचएफ ड्राइवर दिखाइए कि हम एक या फिर दो लगाए तो पूरा काम हमारा तमाम हो जाए। तो गाइस लीजिए, ये आ चुका है हमारे पास एचएफ। चलिए इसकी देखते हैं अनबॉक्सिंग, और यहाँ पे देखते हैं ये वाली जो नेटवर्क प्लेट है साथ में इसके साथ में, यानी इसके जो मैच वाली नेटवर्क प्लेट है इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे जो टेस्टिंग होने वाली है वो भी काफी कमाल धमाल होने वाली है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग से पहले आप सभी को एक डिटेल देता हूं कि एक बॉक्स के अंदर 2 HF ड्राइवर आते, तो ये कुछ इस टाइप का बॉक्स पैकिंग मिलेगा। अभी ये इसके अंदर 2 पीस का है, 12.5 किलो वेट है। तो चलिए इसमें से 1 पीस मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग से, दोस्तों यहाँ पे 2 बॉक्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहला वाला बॉक्स दिखाया था कि यहाँ पे इसके अंदर 2 पीस आते हैं, अभी उसमें से 1 पीस निकाल के मैं आपको जो है वो अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ। तो अभी ये बिल्कुल व्हाइट कलर की पैकिंग में होता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ तो सबसे पहले बस आपको एक एचएफ मिलेगा। यहाँ पे मैं एचएफ को निकाल लेता हूँ, और एचएफ को निकालने के साथ ही आपको यहाँ पे दोस्तों ये देखिए इसके अंदर जो बोल्ट्स हैं, यानी इसके जो आप फ्लेयर पे इसको टाइट करेंगे, इसके बोल्ट्स और इसकी जो की होती है, चाबी जो होती है बेसिकली, जिस बोल्ट से आप टाइट करेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, इस बात का आपको ध्यान दे रहे हैं। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ हमारे एचएफ ड्राइवर के, तो यहाँ पे ये एचएफ ड्राइवर आ जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ हमारे यहाँ पे एचएफ की, तो कुछ इस टाइप की जो है वो इसकी लुकिंग हो जाती है। काफी ज्यादा जो है वो मोटा डिजाइन इसके अंदर करा गया है, और यहाँ पे इसकी जो मोटाई है बेसिकली देख सकते हैं, जो कि मैग्नेट भी है काफी ज्यादा जो है वो बड़ा साइज का यूज करा गया। बात करता हूँ इसकी जो डायफ्राम है, इसका जो वॉइस कॉइल साइज है वो दोस्तों यहाँ पे 4 इंची का जो है वॉइस कॉइल साइज रखा गया है। बेसिकली इस टाइप के जितने भी एचएफ होते हैं, जैसे कि रोड शो हो गया या फिर कॉम्पिटिशन टाइप के, या फिर आपको कुछ ऐसा हैवी पंच है एचएफ के अंदर, यानी लाउडनेस इतना चाहिए कि बिल्कुल कान में चुभे, तो इस टाइप का ये एचएफ होने वाला है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यहाँ पे ये एचएफ जरूर नीचे कमेंट बताना। बाकी दोस्तों इसके साथ में एक प्रोडक्ट मैं और ऐड करना चाहूंगा, वो भी यहीं पे रहेगा, ATI Pro का नेट्रो प्लेट। अब बेसिकली दोस्तों इस एप से आपको चलाने के लिए बेसिकली बहुत ज्यादा जो है वो पावरफुल हो जाता है, लेकिन पावरफुल एचएफ को चलाने के लिए यहाँ पे पावरफुल तो नेट्रो प्लेट चाहिए हमें। तो दोस्तों यहाँ पे ATI Pro ने ये पावरफुल एचएफ भी आप सभी के लिए जो है वो बनाया है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैं इसको फटाफट से जो है वो इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों बेसिकली ATI Pro की तरफ से ही डिजाइन करा हुआ है, ब्लैक, इसको कहते हैं ब्लैक सीरीज का जो है वो नेट्रो प्लेट। अगर आप यहाँ पे ATI Pro के किसी भी डीलर के पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि यहाँ पे मुझे ब्लैक सीरीज की जो है वो नेट्रो प्लेट चाहिए, तो आपको कुछ इस टाइप का जो है नेट्रो प्लेट मिल जाएगा। ओवरऑल इस एचएफ के साथ में ये वाला जो नेट्रो प्लेट है मैच करने वाला है, तो आपको ये ध्यान देना जब भी आप ये एचएफ लें तो ये वाला जो नेट्रो प्लेट है इसके साथ में मैच लें, क्योंकि इसका जो फ्रिक्वेंसी है और यहाँ पे जो इसका इंपेडेंस है और यहाँ पे जो इसकी पावर रेटिंग है बेसिकली, उसके हिसाब से दोस्तों इस नेट्रो प्लेट को बनाया जाता है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है वो देख सकते हैं किस टाइप की जो है वो क्वालिटी रहने वाली है। काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पे आपको बल्कि सा लुक देखने को मिल जाता होगा इसके साथ में। टर्मिनल सॉकेट्स दिए गए हैं, बेसिकली वो वायर वाला सिस्टम यहाँ पे हटा दिया गया है इसके साथ में। और यहाँ पे ओवरऑल आपको ये जो नेट्रो प्लेट है ये कैसा लगा जरूर बताइएगा। ताइवान के जितने भी इसके अंदर जो है वो कॉम्पोनेंट यूज करे जाते हैं। ओवरऑल दोस्तों अभी तो मैंने आपको दिखाई है एचएफ ड्राइवर और यहाँ पे नेट्रो प्लेट। चलिए इसके साथ में कैसे टेस्टिंग करने वाली, फिट कहाँ करने वाला हूँ, कौन से टॉप होंगे, कितने वाट के होंगे, उसके अंदर हम भी मैम देख लेते हैं कि कैसे फिट करने वाले हैं, वो सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे नेट्रो प्लेट की, तो यहाँ पे अभी हम नेट्रो प्लेट फिट करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसको मैं कौन सी जगह पे फिट करने वाला हूँ टॉप में, तो सबसे पहले आपको मैं कैबिनेट दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो है वो कैबिनेट आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की जो है कैबिनेट रहने वाली है। ओवरऑल 2 15 इंची है, एक ये एचएफ है, एक एचएफ जैसे कि हमारा वहाँ पे रखा हुआ है, तो ये आ गया हमारा एचएफ, यहाँ पे ये आ गई हमारी जो है वो कैबिनेट। तो ओवरऑल ये है पूरी की पूरी क्वालिटी देख सकते हैं। चलिए अभी फटाक से ना इसको जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फिट करने वाला, कहाँ है। दोस्तों ये जो लोकेशन है मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है ताकि जो एयर पास है ये आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ से, ताकि ये ठंडा रहे, कोई भी इसमें पार्ट जो होता है वो अगर हीट हो जाए तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो ये एक अकेली कैबिनेट नहीं है जिसमें मैंने ये एचएफ और ये नेट्रो प्लेट यूज़ करा हो, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 तो हमारे रखिए, छठी हमारी ये हो जाती है।
सब में मैं यही नेट्रो प्लेट और यही एचएफ जो है वो यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। मैं अभी मैं इसके अंदर जो फिटिंग है वो कैसे करने वाला हूँ वो आपको दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको कस लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर यहाँ पर एचएफ की, तो जिसमें आपको बोर्ड्स मिलते हैं ये सेल्फ टाइट होने वाले हैं। या देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो प्लस वाली जो हमारे स्क्रू ड्राइवर होता है उसका यहाँ पे लगा हुआ है, निशान जो है वो बना हुआ है, उससे जो है वो टाइट हो जाते हैं, ये से सेल्फ यानी खुद से टाइट हो जाते हैं। और इनके ऊपर फिर फ्लेयर लगा के, जैसे कि मैं अभी आपको फ्लेयर लगा देता हूँ, यहाँ पे हमारा ये फ्लेयर होता है, ये कुछ इस टाइप से फिट हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ये इस टाइप से फिट हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसके साथ में क्या है कि इसका जो साइज है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, नॉर्मल 750 आता है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने करा क्या है कि जो फ्लेयर है उसको मैं ऊपर से डाल रहा हूँ, एचएफ को मैं यहाँ से डाल दूंगा, और साथ ही मैंने इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है वो शीट है आपकी फॉर्म की शीट है वो भी लगा दी ताकि एचएफ इसके ऊपर रखे तो ये वाइब्रेट ना हो। बहुत सारी चीज़ों का मैं ध्यान देता हूँ और आप भी हो सकते तो यही काम करिए। तो चलिए इसकी जो फिटिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी नेट्रो प्लेट जो है वो फिट यहाँ पर मैं कर चुका हूँ, बोर्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं इसको कैसे लगाते हैं वो डिटेल मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करता हूँ कनेक्शन की, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये हमारी प्लेट लगी हुई है, ये इनपुट होती है वायर की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एचएफ इनको दे रखी है हमने, बेसिकली ये तो स्पीकर हो गया, वो भी स्पीकर हो गया, और यहाँ से मैंने एक स्पीकर से फिर इसको इनपुट दे दी, और यहाँ से आउटपुट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एचएफ मेंशन है, ठीक है ना, ग्राउंड और एचएफ मेंशन है, और ये हमारी वायर गई इधर आ गई, ये आप देख सकते हैं गाड़ी वायर हमारी इधर, और ये जाएगी हमारे एचएफ में। तो अभी हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अभी हम कनेक्शन को, और पहले हमें ग्राउंड लगाना है। जैसे कि मैं बताया था वायर अगर आप मोटा भी यूज़ करते हैं तो उसके साथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो सॉकेट है इसके अंदर बेसिकली वो काफ़ी अच्छा खासा जो है वो सॉकेट हमें दिया गया है, तो आप मोटी वायर या फिर पतली वायर कैसी भी आप डालिए कोई प्रॉब्लम में नहीं होगी। एक बार ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ये बिल्कुल ओके है, ठीक है ये तो लग चुका है। अभी मैं इसके नीचे डालूंगा, जैसे कि मैं बताता था इसका होल जो है वो काफ़ी जो है मतलब 750 के हिसाब से बनाया गया है, तो बाहर से मुझे जो एचएफ का फ्लेयर है वो फिट करना पड़ रहा है, मैं यहाँ से बाहर से ही लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से लगाता हूँ उसमें, ये बैठ गया। चलिए इसके अंदर जो है वो एक बार सर लेके और बोल्ट हम लगा देते हैं फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पे जो फ्लेयर है वो फिट हो चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल टाइट है दोनों। ये जो चाबी है ये तो बेसिकली मैंने बताया था आपको आपके बॉक्स में ही मिल जाएगा, पैकेट में मिलेगा। तो चलिए मैं इसे जो है वो रख देता हूँ यहाँ पे कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे मैंने पीछे जो है वो फॉर्म लगा रखी है ताकि लूज भी रह जाए तो वाइब्रेट ना करे। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है अगर आप कस्टमर को कह रहे हैं कि आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ दे रहे हैं, तो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें जो है वो लगानी पड़ती हैं आपने। तो यहाँ पे ये हो गया है ओवरऑल। अभी मैं फ्लेयर को टाइट करता हूँ, स्पीकर को टाइट करता हूँ, ग्रिल लगाता हूँ, और फिर इनके साथ में हमारे 5 जो ड्रॉप हैं टोटल 6 हो जाएंगे, 6 के 6 ड्रॉप के साथ में मैं आपको जो इसकी टेस्टिंग है वो यहाँ पे देता हूँ। के सामने से हट जाएं। डीजे वीर सैनी, 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 डीजे वीर सैनी।
पुनहाना 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 स्पीकर चेक स्पीकर चेक दोस्तों कैसे लगा ये एचएफ ड्राइवर जरूर नीचे कमेंट बताना। बाकी दोस्तों ये डिमांडेबल था बहुत ही ज्यादा मेरे को, यानी हैवी एचएफ ड्राइवर चाहिए हमें, और यहाँ पे मेरे को लगा कि नहीं यार आपको दिखाना चाहिए। तो लीजिए दोस्तों ये आ चुका है, टेस्टिंग जरूर बता के जाएगा कैसे लगी। बाकी दोस्तों परचेज करने के लिए नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, एटीआई प्रो का कस्टमर केयर नंबर दे रखा है, आप जाके अपना ऑर्डर देख सकते हैं या फिर प्राइसिंग पता कर सकते हैं या फिर अपने डीलर का जो है वो एड्रेस ले सकते हैं। ओवरऑल ये भी नेट्रोप्लेट आपको मिल जाएगी आपके नियरेस्ट डीलर के पास, तो आप सारी की सारी डिटेल्स उस कॉन्टैक्ट नंबर से यानी एटीए प्रो का कस्टमर केयर नंबर से जान सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी तो जरूर नीचे कमेंट बताना, वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा इस चैनल सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।